में इस वक्त हजारों मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से कुछ जेन्युइन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्कैम कर रही हैं। इनफैक्ट पास में भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने पब्लिक के साथ में बहुत बड़ा स्कैम किया, उसके बाद में या तो वो कंपनीज बंद हो गई या उनके जो ओनर्स थे उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया पब्लिक का और वो भाग गए। और जब इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया पब्लिक वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। और अच्छी बात यह है कि ये सारे रूल्स हिंदी में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, जिससे कि कोई भी इंसान इसको अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। इसका लिंक मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि मैं बात करूं कि रूल्स क्या है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आया एज कंज्यूमर, तो आपने आगे अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को रिकमेंड किया। जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया। अगर इसी तरह से इस बिजनेस को एक्चुअल में किया जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर एक कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका उस कंपनी के प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, वो कंपनी बेच रही है साबुन तेल शैम्पू और वहां पर बात करी जा रही है मर्सिडीज की, बीएमडब्ल्यू की, और उस कंपनी को आगे से आगे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का मकसद उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है बल्कि पैसा कमाना है, यहां तक कि उनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक कंप्लीट स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है, और इस स्ट्रक्चर में कुछ लोगों का तो फायदा होता है, बाकी लाखों लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जहां पर 10 लाख लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उसकी साल की टर्नओवर है 100 करोड़। वहां पे अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं, कहीं पर होता है कि आपको आगे 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, कहीं पर होता है बाइनरी प्लान यानी कि आपको आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। बट इन सारी कंपनीज को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है ये अपने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में 30-50% के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, एवरेज हम कह सकते हैं 40%। 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए चला गया इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अभी अमाउंट सुनने में बहुत बड़ा लगता है 40 करोड़ रुपए, और जो भी कोई नया मेंबर उस कंपनी को ज्वाइन करता है उसके माइंड में यही होता है कि अगला करोड़पति मैं ही हूं। बट अब एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर वो कंपनी चाहे भी तो क्या सबको लखपति करोड़पति बना सकती है। ज्यादातर क्या होता है कि इन कंपनीज में आप एक पैटर्न देखोगे, हर कंपनी का कोई ना कोई एक फेस होता है। वो एक इंसान स्टेज पर आकर के खड़ा होता है, वहां पर वो इंसान आकर के स्टेज पे सबके सामने अपनी इनकम को शेयर करता है और सबको बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है। ज्यादातर इन लोगों के पास में मर्सिडीज होती है, और मर्सिडीज का भी कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं, 3 करोड़ का 4 करोड़ का। इसके अलावा वो इंसान बताता है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं इस कंपनी से, जो लाखों में नहीं होता है बल्कि करोड़ों में होता है। यानी वो इंसान स्टेज पर आकर के सबके सामने बोलता है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, और लोग वहां पर बैठ करके तालियां बजाते हैं। वो जो ताली बजा रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो 1 करोड़ रुपए कहां से रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर वो इंसान कह रहा है कि मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से, इसका मतलब साल का कितना हो गया 12 करोड़, तो 100 करोड़ में से 12 करोड़ ये इंसान लेके। इसके अलावा आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व करोगे अगर ध्यान से इस कंपनी के स्ट्रक्चर को समझोगे, कि वो जो एक इंसान होता है उसके नीचे कुछ लोग होते हैं जिसको डाउनलाइन बोलते हैं, उसमें 20 से 30 लोग ऐसे होते हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। तो एक बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं कि उस कंपनी में जो बाकी के लोग हैं यानी 10 लाख लोग हैं उनके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। 12 करोड़ मिला उस एक इंसान को जो टॉप पर बैठा है, और 30 करोड़ मिला उन 30 लोगों को जो उससे नीचे वाले लेवल पर है, यानी हो गया 42 करोड़, यानी कि 42% पैसा यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब मैं मान लेता हूं उस कंपनी का पे आउट है 50%, तो बचा कितना 8%, 8 करोड़। ये 8 करोड़ किसके हाथ में आया? बाकी के जो 10 लाख लोग हैं उनके हाथ में। तो एक इंसान के हाथ में आता है 80 रुपए साल का। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 80 रुपए है ये कैलकुलेशन के लिए एक एवरेज है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा, किसी के हाथ में हो सकता है 8,000 भी आ गया, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका है, क्योंकि सिर्फ आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है। प्लस जब आप ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट होती है जिसको आपने शुरू में कैलकुलेट नहीं किया होता है। जैसे इन कंपनीज के जो सेमिनार्स होते हैं यूजुअली उसके लिए आपको टिकट खरीदनी होती है, ट्रैवल के पैसे लगते हैं, आपका टाइम यहां पर लग रहा है। तो आपको सारी कैलकुलेशंस करके चलना है कि आपने कितना पैसा और कितना टाइम लगाया और साल के एंड में आपके पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी क्या है। यानी कि अगर उस कंपनी में 10 लाख लोग हैं और कोई एक इंसान आकर के बोल रहा है कि मेरे पास में 3 करोड़ की गाड़ी है और 1 करोड़ रुपए मैं महीने का कमा रहा हूं, तो वहां पर बैठ करके तालियां नहीं बजानी है बल्कि उस इंसान से ये पूछना है कि आपके से और कितने इस कंपनी में। ये पूछना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो पैसा वो जो इंसान कमा रहा है वो आपकी जेब से आने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जितनी भी है वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनी जेन्युइन भी है। लेकिन अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है, तो आज हम यही काम करने वाले हैं। हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है, इसके बेसिस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, बल्कि इसके बेसिस पर कि हमारी कंट्री का लॉ क्या कहता है। 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उन सब के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो हम सबके लिए एज कंज्यूमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस और अदरवाइज एंड शैल अबाइड बाय द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स्ड। इन अदर वर्ड्स, वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती। अगर ऐसा वो कंपनी कर रही है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है। अगेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल इंश्योर दैट द एडवर्टाइजमेंट्स फॉर मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिस्टेंट विद द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेस एंड यूसेज कंडीशंस ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब यह है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या जो उसका नेटवर्क है डायरेक्ट सेलर्स का, उसमें से कोई भी
ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी जहां पर के उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को या उस कंपनी का जो भी प्लान है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है कि वो है कुछ और उसको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं तो आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी एड्स आती हैं जहां पे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो हमको कॉन्टैक्ट करिए। तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग अगर कोई कंपनी कर रही है तो वो एक स्कैम है। अब ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वाउचेस फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और गारंटीज दैट सच गुड्स और सर्विसेज आर ऑथेंटिक शैल बियर द लायबिलिटी इन एनी एक्शन रिलेटेड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। मतलब कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या उसके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं या कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हैं जिसको बाद में वो पूरा ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वो कंपनी आपको ये कह रही है कि अगर आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया और आप यहां से लाखों रुपए नहीं कमा सके तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, तो उस कंपनी को वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। और यहां पर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब कि या तो डायरेक्टली आपने गारंटी दी है या इनडायरेक्टली दी है, तब भी आप उस गारंटी को पूरी करने के लिए लायबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, इसको आप परचेस करो, इसको परचेस करने के बाद में आपकी जो इनकम है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, तो अगर वो 10 गुना नहीं बढ़ती है तो उस कंपनी ने जो भी क्लेम्स करे हैं उस सबको पूरा करने के लिए वो कंपनी लायबल है। इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है दैट एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर सो एज टू एनेबल द कंज्यूमर टू नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ ऑफर बीइंग मेड एंड द कमिटमेंट इन्वॉल्वड इन प्लेसिंग एनी ऑर्डर। मतलब यूजुअली ऐसी कंपनीज में क्या होता है, ये आपके लिए एक तरीके का एक फनल बना देते हैं। यानी कि जब आप इन कंपनीज को ज्वाइन करते हो तो आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 500 रुपए देना है या 1000 रुपए देना है। फिर वो 1000 रुपए देने के बाद में आपको पता लगता है कि आपको 5000 और देना है। फिर उसके बाद में आपको पता लगता है कि अब अगर अपने बिजनेस को आपको बढ़ाना है, आपको कमीशन चाहिए, तो आपको 5000 नहीं देना है, अब आपको 30000 देना है। एक तरह का एक ट्रैप बना दिया जाता है जहां पर आप अंदर जाकर के फंसते ही चले जाते हैं। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है उस बिजनेस में वो उससे बहुत ज्यादा होती है जितनी की शुरू में दिख रही होती है या दिखाई जाती है। ये करना गलत है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से उस इंसान को बताना है ज्वाइन करने से पहले, यानी उससे 1 रुपए भी लेने से पहले, कि इस स्टेज पर इतना इतना पैसा लगने वाला है। जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जहां पर के ज्वाइन करने के बाद में अगर उन कंपनीज को आप कहोगे कि हमको डेटा चाहिए जिस डेटा को हम कॉल कर सके और जिनको ये प्रोडक्ट और सर्विस बेच सके, तो उस डेटा के भी वो कंपनी आपसे पैसे लेगी। यानी वो कंपनी आपको बोलेगी कि एक लीड का आपको 40 रुपए या 50 रुपए देना है, तो अगर आपको 100 लीड चाहिए तो आपको 5000 रुपए देना है एक महीने का। साल का कितना हो गया? 60000 रुपए। आप सोच के आए थे उस कंपनी में कि 10-20 हजार रुपए में मेरा काम शुरू हो जाएगा। साल के एंड में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा 20000 रुपए नहीं लगा, यहां पर 2 लाख रुपए लग गया है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आपको उस इंसान को ज्वाइन करने के बाद नहीं बताना है, पहले से बताना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको बहुत सारी कंपनीज वायलेट कर रही है खुलेआम। मतलब ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हैं या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो बोलती हैं कि हमारी अनकंडीशनल मनी बैक गारंटी है, और बाद में जब आप उस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन करते हो तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल है, जबकि एक्चुअल में जब एग्रीमेंट की बारी आई तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस है कि पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पैसे आपको वापस होंगे। ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इस क्लॉज को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक स्पूरियस गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज एंड रिफंड द कंसिडरेशन पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने एक MLM कंपनी को ज्वाइन किया और उसके जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस कंपनी को आपको आपका पैसा रिफंड करना ही होगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक फेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे कॉन्फिडेंस होगा उनकी जो मनी बैक गारंटी है वो अनकंडीशनल होगी। यानी कि वो कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपने हमसे प्रोडक्ट खरीदा, सर्विस खरीदा, अब अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आगे आपको इतने लोगों को और लेकर आना पड़ेगा, तब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। अगर कोई कंपनी ऐसा बोल रही है तो वो एक स्कैम है। और यही बात जो मैंने अभी बोली है ये आगे एक और क्लॉज में क्लियरली मेंशन है। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड अ डायरेक्ट सेलर शैल नॉट इंड्यूस कंज्यूमर्स टू मेक अ परचेज बेस्ड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन दैट दे कैन रिकवर द प्राइस बाय रेफरिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू द डायरेक्ट सेलर्स फॉर सिमिलर परचेजेस। इन सिंपल वर्ड्स यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए या आगे किसी को मेंबर बनाने के लिए। अगर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो तभी आपको रिकमेंड करना है आगे और लोगों को उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है तो कंपनी जेन्युइन है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एक स्कैम है। और ये सब तो वो है जो रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये करना गलत है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी MLM कंपनीज में होती है जो हो सकता है लीगली सही है लेकिन एथिकली बिल्कुल गलत है। मतलब कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका एक डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क है तो स्ट्रक्चर में सारे लोगों को सिर्फ तब बेनिफिट हो सकता है जब जो प्रोडक्ट है वो सर्विस है उसकी अपने आप में इतनी वर्थ है कि अगर एक इंसान वहां से 1 रुपए भी ना कमाए तब भी उसको किसी तरह का कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। मतलब ये हो सकता है जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वहां पर ये नहीं लिखा है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं उसका प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, लेकिन ये आपको देखना है उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। फॉर एग्जांपल, वो कंपनी आपको साबुन का डब्बा बेच रही है 500 रुपए का जिसके जैसा सेम प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल रहा है 50 रुपए का, तो अगर वहां पर आपको कोई कमीशन ना मिले, कोई इंसेंटिव ना मिले, कोई पैसे की बड़ी बड़ी बातें ना हो, कोई मर्सिडीज की बातें ना हो, BMW की बातें ना हो, तब भी क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे? अगर तो जवाब है हाँ तो वो कंपनी बहुत बढ़िया, लेकिन अगर जवाब है ना तो ये बिजनेस फंडामेंटली फ्लॉड है। क्योंकि ये जो बात अब मैं बोलने वाला हूं इसको ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर अप्लाई नहीं होता है बल्कि किसी भी बिजनेस पर अप्लाई होता है। अगर उस बिजनेस में रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग नहीं है, तो बिजनेस आज नहीं तो कल फेल होना ही होना है।
वर्ड ऑफ माउथ नॉट ऑफ द मनी दैट अ पर्सन कैन अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट वर्ड ऑफ माउथ ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। वर्ड ऑफ माउथ इस चीज का नहीं कि उस कंपनी से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस चीज का कि उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितने अच्छे हैं। अगर एक्चुअल में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे हैं, कॉम्पिटेटिवली प्राइस है, और अगर आप खुद अपने घर में उन प्रोडक्ट्स को बार बार यूज कर सकते हो, तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उसमें दम नहीं है, तो बिजनेस ने आज नहीं तो कल फेल होना ही होना है। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक जेन्युइन कंपनी में और स्कैम में।